मुंबई में बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में अब 2400 घंटे चालू रहेंगी कोरोना लैब्स। मुंबई में अब दो शिफ्ट में काम करेंगे नोडल अधिकारी। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 325 आईसीयू बेड बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है, बल्कि घातक भी नजर आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, लिहाजा आईसीयू बेड की तैयारी की गई है। कोरोना पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत आई है। बड़ी खबर यह है कि केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन पर विचार करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम, यानी कि जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए, यह सलाह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से कहा गया है कि अब सरकारें लॉकडाउन पर विचार करें। वही बात की जाए, दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में 16% मामले अचानक बढ़ गए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,759 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 509 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एकदम से कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। कोरोना की लहर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं शुक्रवार को। हालात को लेकर पीएम समीक्षा बैठक करेंगे। तो दोस्तों, बहुत तेजी से यानी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जैसे अलग अलग राज्यों ने स्कूल भी खोले हैं, तब से यानी कोरोना संक्रमण का बढ़ने का कारण ये भी है।